चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत ने अब अपने महाप्लान पर काम शुरू कर दिया है। भारत ऐसी परमाणु पनडुब्बियां खरीदने जा रहा है जो दुश्मन देशों का काल बनेंगी। ये परमाणु पनडुब्बियां इतनी खतरनाक हैं कि पलक झपकते ही दुश्मन देश के जहाज को राख में बदल देंगी। अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस समय फ्रांस भारत का बड़ा रक्षा और रणनीतिक साझेदार है। हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत और फ्रांस अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। अब ऐसी खबर आ रही है जिसके बाद चीन और पाकिस्तान के होश उड़ जाएंगे। खबर है कि भारत और फ्रांस 6 परमाणु पनडुब्बियों यानी ISSN के सौदे पर बातचीत कर रहे हैं। ये सौदा समंदर के नीचे भारतीय नौसेना की क्षमताओं में दोगुना इजाफा करने वाला होगा। बता दें कि नौसेना को परमाणु पनडुब्बियों की सख्त जरूरत है। सूत्रों की माने तो पिछले 4 साल में ये प्रस्ताव सरकार की मंजूरी न मिलने की वजह से अटका हुआ था। इसकी वजह से चुनौतियां काफी बढ़ गई थीं। भारत के पास रूस की अकुला क्लास की परमाणु पनडुब्बी थी जिसे लीज पर लिया गया था। 2021 में इसकी लीज भी खत्म हो गई। ऐसे में इस समय नौसेना के पास कोई भी परमाणु पनडुब्बी नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए ही भारत ने फ्रांस के साथ वार्ता शुरू की। इस वार्ता में उन संभावनाओं को तलाशा जा रहा है जो 6 परमाणु पनडुब्बी का निर्माण करने से जुड़ी हुई है। यहाँ ये देखना जरूरी है कि चीन हिंद महासागर में चुनौती बनता जा रहा है। इस दिशा में वो भारत से ज्यादा ताकतवर है। उसके पास 70 से ज्यादा पनडुब्बियां हैं जिसमें 7 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां यानी ISSBN हैं। वहीं चीन के पास 12 परमाणु हमला पनडुब्बियां मौजूद हैं। इसके अलावा 50 से ज्यादा डीजल हमला पनडुब्बियां शामिल हैं। दूसरी ओर भारत का पारंपरिक पनडुब्बी बेड़ा साल 1980 के दशक का है। इस वजह से इसकी पुरानी पड़ चुकी क्षमताओं को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में उसका जवाब देने के लिए भारत के लिए परमाणु संचालित पनडुब्बियां काफी अहम है। खबरों के मुताबिक भारत अब 65,000 टन के स्वदेशी विमान वाहक ISAC-2 की जगह परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण पर जोर देना चाहता है। बताया जा रहा है कि इस वजह से ही भारत ने स्वदेशी विमान वाहक को तैयार करने की अपनी योजना रोक दी है। भारत सरकार इसकी जगह अब ISSN प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगी। फ्रांस द्वारा बनाई जा रही ISSN पनडुब्बियों की खासियत की बात करें तो ये पानी के अंदर लड़ाकू विमानों के बराबर काम करती हैं। भारतीय नौसेना के लिए रणनीतिक संतुलन बनाए रखने और संभावित खतरों का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बियों को काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक ISSN गेम चेंजर है। चीन की तुलना में फ्रांस द्वारा बनाई जा रही ISSN की क्षमता ज्यादा है। साथ ही ये काफी सीक्रेट है। इनकी ताकत असीमित है। ये लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं। साथ ही बंदरगाह से दूर काफी दिनों तक और तेज गति के साथ अपने मिशन को पूरा करने में सक्षम है। ये पनडुब्बियां लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस हैं। इससे पनडुब्बियां कुछ ही मिनटों में समुद्री युद्ध की दिशा और दशा बदलने में सक्षम है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।